गुड मॉर्निंग सभी को। हम यहाँ यमुनोत्री से आज निकल चुके हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, रास्ता बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका था, पहाड़ गिर चुके थे, गाड़ियाँ नीचे धस चुकी है। इस बुलडोज़र को हम वेट कर रहे थे कि ये कब रास्ता साफ़ करे, और फाइनली रास्ता साफ़ हो गया हमारे लिए। आई एम बैक। हम सारे खरादी में फंसे हुए थे बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। हम वरना कल ही सुबह निकलते गंगोत्री के लिए, पर हम आज निकले हैं। और अब हम आ पहुँचे हैं शिव गुफा, मेरे पीछे दिख रहा है। अब हम वहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर ही शिव का पूरा परिवार है, तो हम देखते हैं। इन पहाड़ों में चढ़ाई खत्म नहीं हो रही यार। फाइनली हम पहुँच गए हैं शिव गुफा। भीड़ की वजह से ये हाल है यहाँ पे गुफा के अंदर का। तो ये है शिव गुफा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रतिमा बनी हुई है पत्थर से। यहाँ पे शिव के परिवार है, ये शिव जी है। हर हर महादेव। सारे बढ़िया से दर्शन करे आए गुफा से। अब हम सारे निकल रहे हैं वापस गाड़ी की ओर। झरना देखो मेरे पीछे। हर हर महादेव। सो फिलहाल हम अब आ गए हैं शिव गुफा से उत्तरकाशी में। यहाँ है काशी विश्वनाथ, और यहाँ कहते हैं कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ है, वहाँ से शिव जी रूट के यहाँ आ गए थे। तो वहाँ के पंडितों से कुछ गलती हो गई थी तो यहाँ वापस गए, पर फिर वहाँ से पंडित जब सारे आए मनाने तो वो ले गए उन्हें वापस वहाँ पर। अब इस जगह पे जब वो बसे इतने टाइम तक, तो अब इस जगह को ऐसे खाली कैसे छोड़ के जाए। तो इस जगह में इन्होंने त्रिशूल रख दिए। मुझे जगह नहीं मिल रहा। ओके, हाँ, तो इस उत्तरकाशी में उन्होंने अपनी त्रिशूल रख ली, जहाँ पर अब त्रिशूल की पूजा हो रही है। तब हम चल रहे हैं वहीं। मंदिर से हम बाहर आके अब हम त्रिशूल देखने जा रहे हैं, जो शिव जी छोड़ के गए थे। अनिरुद्ध भगवान, ये है वो त्रिशूल जो शिव जी यहाँ छोड़ के गए थे। यहाँ से हम सारे अंदर जा रहे हैं उस त्रिशूल को देखने के लिए। देखो, अगर कोई मनुष्य अपनी अनामिका से इस त्रिशूल को छूता है तो ये त्रिशूल हिल जाता है। ये नीचे पाताल तक गया हुआ है। फिलहाल हम मंदिर से निकल चुके हैं और अभी हम रास्ते में गंगोत्री के लिए। और यहाँ के पहाड़ भाई इतने सुंदर है ना, ये पहाड़े बस पहाड़ में बस जाए, बस छोड़ दो मुझे कहीं। सो फाइनली हम उत्तरकाशी से यहाँ झाला में हैं। यहाँ से गंगोत्री करीबन 20 से 30 किलोमीटर है, और आज हम यहाँ रुक रहे हैं, और यहाँ से हम कल सुबह निकलेंगे गंगोत्री के लिए। तो आज का दिन तो सफ़र में ही निकल गया। बाकी हम दो जगह गए थे, शिव गुफा और वो त्रिशूल वाला मंदिर। बाकी अब कल जाते गंगोत्री। शुभ प्रभात सभी को। और ये मौसम देख रहे हैं, कितना प्यारा मौसम हो रखा है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री को, और अब हम सवेरे चल रहे हैं मंदिर की ओर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी कम भीड़ है। ये इसीलिए है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, मतलब बारिश का जो सीज़न होता है ये इनके लिए ऑफ सीज़न होता है, इसलिए हम शांति से यहाँ जा पा रहे हैं। हाय, ये दो रास्ते हैं, एक तरफ से गंगा मैया दिख रही हैं, दूसरे रास्ते से ये है जाता हुआ मंदिर। मंदिर का एंट्रेंस पहुंच गए और हम हैं गंगोत्री में। और ये सुंदर सा मंदिर तो देखिए ज़रा, रुकिए मैं दिखाती हूँ, थोड़ा जूम आउट कर ले। हाँ, ओ माय गॉड, इतना सुंदर मंदिर है ना, अद्भुत। और इतनी माता की प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति है अंदर, और ये गंगा मैया है। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हम बढ़िया से पूजा करे आए। और अब हम निकल चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन केदारनाथ की ओर।